मंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, बिहार के मुख्य सचिव अमित सुभानी साहब जी, तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार जी, तेलंगाना से आए हुए सभी मुख्यमंत्री जी के साथ सभी अधिकारी, सभी डिग्निटरीज और हमारे वीर सैनिकों के, और जो हैदराबाद में हादसा हुआ था जो मजदूर भाई उनके परिजनों के, जितने यहाँ परिवार के लोग उपस्थित हैं, परिजन उपस्थित हैं और मीडिया के लोग, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और खास तौर पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी का हम हृदय से, बिहार की धरती पर जो लोकतंत्र की जननी है, आज वो यहाँ आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि पूर्व में मुख्य सचिवों ने इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया कि गलवान घाटी में जिस प्रकार से हमारे शहीद वीर सैनिक हुए और हैदराबाद में जो हादसा हुआ जहां मजदूर रो की जान गई, इसको तहत देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी मिलकर के ये साझा कार्यक्रम किया है। हम आज इस मंच के माध्यम से जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो हैदराबाद में जो दुर्घटना हुई, जितने श्रमिक जो मारे गए उनको भी श्रद्धांजलि हम प्रकट करते हैं। और हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे दोनों सरकार, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सभी परिजनों के साथ इस दुख के घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो गलवान घाटी में जो भी हादसा हुआ, आज इतना तो स्पष्ट है कि हमारे जो वीर सैनिक आज मजबूती के साथ सीमा पर खड़े हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित है। और ये किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि किसी और के वजह से देश जो है हमारा सुरक्षित, ये केवल आज हमारा देश सुरक्षित है तो केवल अकेवल हमारे जो वीर सैनिक जो सरहद पर खड़े रहते हैं दिन रात, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंडा हो, गर्मी हो, रेगिस्तान पे हो, चट्टान पे खड़े हो, वो मजबूती के साथ देश की रक्षा करते हैं। और एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत हम कहेंगे, अगर इसी प्रकार से भारत के सभी राज्य एक दूसरे का दुख सुख में भागीदार बनेंगे तो हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने, नीतीश जी ने इस दुख के घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, कितना अच्छा है। एक पॉजिटिव एक मैसेज सभी लोगों में ये गया है। और हम लोग तो बिहार गरीब राज्य, बाढ़ सुकार से हम लोग ग्रसित रहते हैं, लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की किया है, विकास किया है। कम रिसोर्स होते हुए भी बिहार में बहुत काम हुआ। और ये नई महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, ये गरीबों की सरकार है, ये जनता की सरकार है, और जनता के हर एक मुद्दे जो सामने आएंगे उसको हम लोगों को निवहन करना है। और ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में मिलकर के हम सब लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसको हम लोगों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब तक गरीब राज, पिछड़े राज्यों को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा,
सहयोग नहीं कीजिएगा तब तक देश विकास नहीं कर सकता। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार जैसे गरीब राज्य और बैकवर्ड स्टेट होने के नाते कहीं ना कहीं से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग मिलता तो नहीं है, ऊपर से और बोझ जो है डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। तो हम तो ज्यादा कुछ आज नहीं कहेंगे, मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं गौतम बुद्ध की धरती रही है, When there is peace, there is prosperity। जब समाज में अमन चैन रहेगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है। ये अमन चैन लोगों में भाईचारा बनी रहे, सामाजिक धार्मिक तनाव उन्माद जो आजकल जो जहर जो परोसा जा रहा है, आज हम जैसे सरकारों के आगे एक बड़ी चुनौती है कि इस जहर को समाज से हम कैसे मिटाएं। तो ये चुनौती है और हम लोग मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इसको जहर को मिटाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्यों से ही देश बनता है, तो हम अपने अपने राज्यों को संभालेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर हम श्रद्धांजलि देते हुए सैनिकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी चंद्रशेखर जी को और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।